खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। और आज के हम मणिकरण गुरुद्वारे, अभी यही वो जगह है जहाँ पर भाई गुरुद्वारे का लंगर बनता है और वही यहीं पे देख रखी जाती है और अपने आप ही उबल के भाई खाना बन जाता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ डीसेंट दिनेश व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी गाइस, आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारी ट्रिप का चौथा दिन कसोल में, कुछ है स्पेशल। और स्पेशल क्या है, तो आज हम जा रहे हैं भाई इंडिया के मोस्ट फेमस गुरुद्वारे मणिकरण, जो कि भाई फेमस है वो अपने भाई गर्म पानी के लिए। और यहाँ पे जो पहाड़ों में सिख समुदाय ने इतने अच्छे तरीके से भाई गुरुद्वारे को मेंटेन किया हुआ है और दूर दूर से लोग बाग आते हैं देखने के लिए, तो आज आपको भी हम दिखाएंगे वो गुरुद्वारा। तो उठ गया, गुड मॉर्निंग बेबू, गुड मॉर्निंग हार्दिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? रात को सही नींद आई? बहुत अच्छी है। तो कंफर्टेबल रहा? बहुत कंफर्टेबल है। तो भाई बहुत बढ़िया। तो चले भाई अबू रेडी हो, फटाफट फिर आज चलते हैं। हार्दिक कहाँ जा रहे हैं? मणिकरण गुरुद्वारे। भाई रेडी हो चुका है, कसोल के रंग में रंग चुका है। और मैडम बढ़िया एकदम शॉपिंग करा दी तुमने, बहुत ज्यादा। हाँ मेरा कुकु, आई इस बार तो नजर लग जाएगी तुझे भाई, बता रहा हूँ मैं तुझे, नजर लग जानी है। तो भाई अभी फटाफट चलते हैं और यहाँ से रेडी होके और सीधा चलते हैं मणिकरण। तो भाई अभी नाश्ता वगैरह अपना डन हो चुका है, मैडम चले भाई मेरा तो डन हो चुका है, मैडम अभी खा रही है, प्लीज सेट है और चले भाई। ओए आए मेरे इजरायली, आए मेरे इजरायली, हाँ नजर नहीं लगा रहा भाई, क्या करे भाई, पर लगी है सर भाई, लगाना नहीं चाह रहा मैं नजर। बोले सोनिहाल काल। तो फाइनली निकल चुके हैं कसोल से मणिकरण की तरफ और मणिकरण, अरे भैया अरे मेरे इजरायली भाई, तू तो यार मैं बोलना नहीं चाह रहा, बस तू यार क्या ही बोलूं, पर इस्माती बॉय, इस्माती बॉय, हाय। तो भाई मेरा इजरायली हाय कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है। हाँ चश्मा भी चाहिए आपको। मणिकरण के रास्ते में आते हैं तो बिल्कुल रोड पे ऐसे प्रोजेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, जैसे भाई इसकी रूफ हो रोड की। तो भाई इस तरीके के देखो, बिल्कुल सकरे रोड है इधर और एक गाड़ी अभी वेट कर रही है, तो एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है, तो इतने सकरे रोड आ जाते हैं जब हम मणिकरण की तरफ जाते हैं। ये देखो भाई पहाड़ देखते ही बनते हैं भाई, कितने खतरनाक लग रहे हैं। तो गाइस भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब और यहाँ पे भाई थोड़ा सा पार्किंग का थोड़ा इशू रहता है कि नीचे एक पार्किंग बनी हुई है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से बनी हुई है, बट वो शायद फुल हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे पूरे रोड पे भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आ रहा है। तो भाई अभी हम हैं यहाँ मेन रोड पे और भाई यहाँ से जो मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के लिए पार्किंग का रास्ता जाता है वो जाता है यहाँ से। तो भाई मेन रोड से लेफ्ट के नीचे एक ढलान जाती है, बहुत ही ज़्यादा ढलाव है इसमें। तो भाई जब मैं आया था 2018 में, तो भाई मैं यहाँ से गाड़ी उतार के लेके गया था, तो भाई मुझे ही पता है मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। भाई यहाँ से पार्किंग से अगर आप निकलते हैं तो इधर की तरफ से भाई मेन गुरुद्वारा साहिब जाने का रास्ता है। हम तो 4 साल बाद दोबारा आए हैं बाबा जी के दर्शन करने और भाई अभी हम मेन एंट्रेंस में भाई, जो कि हर आप अगर मणिकरण आते हैं तो भाई जो आपको जगहें दिखती हैं, तो अब फाइनली भाई हम आपको वो दिखा रहे हैं अपने व्लॉग्स के द्वारा। यहाँ पर मेन सर ढक के ही जाया जाता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वैसे तो यहाँ पे भी सर ढकने के लिए मिल जाता है आपको, तो अगर कोशिश करें कि आप ढक कर ही आए सर तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक्सप्लोर कराते हैं मणिकरण गुरुद्वारा।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारे, जो कि भाई ये है अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और भाई यहाँ की मान्यता ये है कि भाई यहाँ हिंदू धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि सिख समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि भाई कभी शिव जी और पार्वती का यहाँ वास रहा था 1100 साल। भाई हाँ जी, 1100 साल यहाँ पर बताया जाता है कि शिव जी और पार्वती माता यहीं पर रही थी, और यही जो प्रकृति पार्वती माता को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने यहीं रहने का निर्णय किया था। तो यहीं पर ही 1100 साल शिव जी और पार्वती माता रहती थी। और ये एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो नदी जो साथ में बह रही है भाई, इसका नाम भी पार्वती नदी है। यहाँ पे जिसको भाई नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ये नदी भी पार्वती नदी के ही नाम से जानी जाती है। और यहाँ का जो नाम पड़ा था मणिकरण, मणिकरण इसलिए पड़ा था कि भाई कि जो हमारी पार्वती माता थी उनके पास एक मणि थी जो कि वो खो गई थी उनसे, तो यहाँ पर वो उनको पता चला था कि जो नागराज थे वो उन्होंने वो मणि अपने पास रख ली थी। तो शिव जी जी की पार्वती जी ने शिव जी को बताया था कि भाई मेरी ऐसे ऐसे मणि गुम हो गई है। तो शिव जी ने यहाँ पर तांडव भी किया था भाई। और ये मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ कि शिव जी का तांडव एक जब हुआ था जब पार्वती जी चली गई थी, और एक यहाँ पर तांडव हुआ था जब यहाँ पर पार्वती जी से मणि खो गई थी। तो भाई जब तांडव हुआ था तो ये जो नागराज ने वो मणि रख ली थी, तो उससे डर के वो नागराज ने वो मणि यहाँ पर एकदम निकाल दी थी अपने फन में से, क्योंकि वो चारों तरफ इस तरीके से बिखरी थी कि कण कण हो गए थे उस मणि के। तो इसलिए यहाँ का नाम भाई मणिकरण भी रखा गया है। तो भाई जितनी हमें यहाँ पे जानकारी थी तो भाई वो हम आपसे सब शेयर कर रहे हैं। और ये गुरुद्वारा साहब जो यहाँ के जो दो गुरु थे सिख समुदाय के, तो यहाँ उन्होंने भी यहाँ पर बहुत से चमत्कार दिखाए थे। तो भाई वो भी यहाँ पर कई सौ साल रहे थे, तो इसलिए भाई यहाँ पे जितना हिंदू धर्म के लिए भाई जितना स्थान पवित्र है, इतना ही ये सिख समुदाय के लिए भी भाई उतना ही पवित्र है। तो भाई आज चलो इसी के हम अंदर से दर्शन करते हैं गुरुद्वारे के, और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा नज़ारा है यहाँ पर। तो भाई अब यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है गुरुद्वारे के अंदर, और चलते हैं भाई सीधा। भाई यहाँ पे हम पहले भी आए थे, तो भाई पहले काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा पहले। तो अभी एक बार फिर बाबा जी ने हमें बुला लिया है अपने दर्शन के लिए, तो अंदर चलते हैं सीधा। यहाँ पर है ये राइट साइड में भाई कुंड है, जैन कुंड, जो कि यहाँ पे आप नहा सकते हैं, अपना स्नान करके आगे गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हैं। सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो अभी चलते हैं सीधा ऊपर और आपको दर्शन कराते हैं बाबा साहेब जी के। बाबा जी के तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं, और बहुत इत्मीनान से भाई वहाँ पे दर्शन हुए, बैठे, बहुत अच्छा लगा। तो आप आ गए हैं भाई यहाँ पर लंगर में, जो कि भाई यहाँ का अगर आप आए हैं तो लंगर का प्रसाद खाए बिना तो आप जाना ही मत। और भाई गुरुद्वारे में जैसे कि भाई सबको पता है कि सेल्फ सर्विस होती है, तो भाई अभी जा रहे हैं सीधा प्लेट लेने के लिए और यहाँ पे अपना लंगर ग्रहण करेंगे। और भाई ये देखो, ये श्रद्धालुओं की भाई कमी नहीं है, मतलब इस तरीके से देखो भाई पूरा एकदम कितनी अच्छी सेवा करते हैं भाई यहाँ के श्रद्धालु। ये देखो भाई पूरा फटाफट बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है भाई, एक तरफ धुल रहे हैं, एक तरफ बहुत बढ़िया। और गेट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं लंगर खाने के बाद। भाई यहाँ पे चाय की सेवा भी है। एंट्री करेंगे हम गरम गुफा में, तो भाई ये रास्ता है छोटा सा, तो यहीं से झुक के जाना है। तो एंट्री तो हो गई है गुफा में, और भाई इतना गरम है ना यहाँ पे कि जहाँ पे पैर रखो भाई वहीं पे गरम है। और यहाँ पे सब सेक लगा रहे हैं अपने शरीर में, जहाँ जहाँ दर्द है, तो कहते हैं भाई दर्द भी दूर हो जाते हैं, क्यों सर है? तो भाई यहाँ पे तो पहली बार आए हम अंदर, लास्ट टाइम जब आए थे जब अंदर नहीं आए थे। तो भाई यहाँ पे देखो सब अपना सेक लगा रहे शरीर में, अंकल जी भी, अंकल आराम पड़ जाएगा, आ जाओ जरा।
भाई अभी एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, क्योंकि भाई बहुत गर्म है यहाँ तो, बस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है उधर, तो अभी तो चलो चल बेटा चलो, शाबाश 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 भैया। तो अभी एक से एग्जिट हो रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्म था मैम, कैसा लगा? सारे हाँ, तो भाई बहुत ही अच्छा भाई, कुदरत का नजारा है ये हैं? ओ भाई, तो बाबा जी बहुत बढ़िया लगा आपके यहाँ के, बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया हैं, मन प्रसन्न हो गया वाक्य में। तो भाई हमारे YouTube चैनल के जरिए भाई आप देख पा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारा साहिब और यहाँ का जो अद्भुत चमत्कार है वो हमारे YouTube चैनल के थ्रू आप देख पा रहे हैं, तो इसीलिए भाई हमारे चैनल को एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी यहाँ से लेते हैं एग्जिट, क्या है मणिकरण की मार्केट में, और भाई यहाँ पे इस तरीके की पूरी मार्केट है ये, जैसी यूजली हर जगह आपको मिल जाती है, तो यहीं पर ही है भाई एक शिव जी का मंदिर, तो भाई यहाँ पे आएंगे हम अभी बाद में, पहले हम आगे चलते हैं और पहले एक्सप्लोर करते हैं, और आगे का जहाँ पर कुंड है और जहाँ पे मार्केट में लोग बात कहते हैं कि आलू चावल डाल के चले जाते हैं और वो बन जाते हैं, तो पहले वो देखते हैं कुंड और फिर आगे बढ़ते हैं। गली की मार्केटों में जो कि भाई मणिकरण की मोस्ट फेमस और कह लीजिए कि मंदिर के बाद भाई लोग बाग यहीं पे ही घूमने के लिए आते हैं और यहीं पे अपना कुछ शॉपिंग वगैरह जो कर, यहाँ पे भी गर्म है। हाँ भाई यहाँ पे ये तो पूरी धरती गर्म है भाई, ऊपर से ठंडी ठंडी नीचे से गर्म गर्म है, तो यही है भाई कुदरत का चमत्कार। तो भाई मार्केट के अंदर आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको गेस्ट हाउस वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि भाई जो कसौल रुकना चाहता है कसौल रुक जाता है, कोई कोई मणिकरण में भाई गुरुद्वारे में दर्शन बहुत जल्दी हो जाए अच्छे से हो जाए, तो आप यहाँ पर भी रूम गेस्ट हाउस वगैरह ले सकते हैं, तो भाई बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको रीजनेबल रेट पर रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो भाई अभी जैसे ही मार्केट से बाहर निकले तो भाई यहाँ आ गए हैं खुले में, और खुले में देखो आते ही भाई पूरा मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो भाई ये देखिए, ये है भाई अद्भुत चमत्कार, और यहाँ देखिए भाई किस तरीके से पानी उबल रहा है, और यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के भजन हुए हैं भाई, श्री गुरु नानक देव जी के भजन हुए हैं। अच्छा मर्दाना जो जो श्री गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना थे ना, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने बोला भी बहुत भूख लगा, मर्दाना जी के साथ एक जो एक और थे ना, दो थे ना मर्दाना भाई बाला जी से, हाँ 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 हाँ, मर्दाना जी कहते बहुत भूख लगी हुई है, हाँ जी वहाँ पर एक एक कंकर मारा उन्होंने, कंकर मारा ना, हाँ यहाँ से बहुत गर्म पानी, हाँ थैंक यू सर थैंक यू। तो भाई ये देखो भाई ये है भाई चमत्कार कह सकते हैं इसको, कि पानी कितना उबल रहा है, और भाई इसमें लोग बाग आलू डाले हुए हैं, ये देखो भाई आलू चावल यहाँ पे डाल के चले जाते हैं, और भाई जब वो पक जाते हैं तो यहाँ से लेके चले जाते हैं। भैया आप यहीं से ही हैं, तो भैया कुछ बताओ यहाँ के कैसे, ये जो हिस्ट्री है आपने अभी सुनी, हाँ हाँ आपको बताई गई, और ये जो है आपके जो नानक गुरु नानक देव जी के पैदा होने से पहले की है। अच्छा, ये जो है भोलेनाथ जी पार्वती माता जी के क्रोध से, जब पार्वती माता ने यहाँ पर अपनी मणि खो दी थी तो जब शिव जी जी ने तांडव किया था तो नाग देव उससे वो थे नाग देवता, उनके मणि निकली थी तो मणि फैल गई थी पर लेकिन इसको शेषनाग जी ने अपने धारण कर लिया। ये कहानी थी, तो कोई बात नहीं, जिसकी भाई जैसे श्रद्धा है वो उस तरीके से कहानी बता देते हैं, तो भाई हमें किसी के उसमें कोई वो नहीं है कि कोई गलत कह रहा है कोई सही कह रहा है, सब ठीक है, जो हिस्ट्री है, हाँ हाँ, आप कहीं भी वेदों में किसी में भी आप अगर देखते हो, हाँ हाँ, इसकी यही हिस्ट्री आती है, जब आप खीर गंगा जाते हो, हाँ, कार्तिक भगवान जी जब नाराज होकर आए थे, हाँ हाँ, अपना मांस वगैरह उतार रहे थे, वो जगह है खीर गंगा, ओके, माता पार्वती ने दूध की गंगा बहाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही पार्वती गंगा, ये पार्वती नदी बह रही है, ये साक्षात पार्वती माता है, जैसे गंगा मैया है वैसे पार्वती माता साक्षात। अरे वाह वाह वाह, उत्तर में तो भाई इसमें हाथ डाल के देखते हैं कि भाई हाथ जलता है नहीं जलता है, ओ भाई बहुत ही गर्म पानी है भाई, होटल वाले आते हैं और भाई बाद में जब उबल जाते हैं आलू तो अपना लेके चले जाते हैं। तो भाई जैसे कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अबू को हमने बिठा दिया यहाँ पर, हाय हाय अबू, मजा आया आपने यहाँ पे आए मणिकरण में घूमने, जय 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 ज
एंजॉय कर रहे हो ओए होए। तो भाई अभी शिव मंदिर में एंट्री कर रहे हैं भाई हार्दिक अभी और उसकी मम्मी। तो भाई मैं बाहर चली गई क्योंकि अंदर थोड़ा अभी परेशान हो रहा था, तो मैं ही एंट्री कर रहा हूँ और मैं ही दर्शन करने जा रहा हूँ भोले शंकर के। भोले शंकर महाराज की जय। तो भाई ये देखो चलते हैं आप सीधा अंदर। देखो यहाँ जब भी हम अगर मणिकरण के गुरुद्वारे के बाद अगर मंदिर में आते हैं तो भाई सबसे पहले भोले शंकर की इतनी विशाल काय और रुद्र रूप में भाई ये मूर्ति नजर आती है ब्लैक कलर में। और नीचे भाई ये देखो ये भाई पानी उबल रहा है यहाँ पर, जो कि भाई चमत्कार से कम नहीं होता। बिल्कुल भोले शंकर के चरणों में बहुत अद्भुत नज़ारा भाई ये देखिए। तो भाई यहाँ पर लोग बात छोटे छोटे पोटलियों में चावल कुछ भी डाल के इसमें डाल देते हैं और घर पे ले जाते हैं प्रसाद के रूप में उसको रखते हैं। तो बहुत ही असीम नज़ारा भाई ये भोले बाबा जी का मंदिर मणिकरण में गुरुद्वारे के जस्ट बगल में। तो गुरुद्वारे में जैसे ही दर्शन करके आते हैं लोग बाग ये देखो इसमें भी भाई पोटलियाँ डाली हुई हैं लोग बागों ने एज अ प्रसाद के रूप में घर पर ले जाते हैं। देखो पोटली ले ही लेते हैं भाई। तो यहाँ से भाई ये पोटलियाँ आपको मिल जाएंगी। कितने की है भैया ये पोटली? क्या है इसमें? चावल और चना। तो भैया हम भी एक पोटली लेंगे भैया से। लो भाई जी बोलो जी क्या लेना? चना है चावल मिक्स है क्या? एक है मिक्स नहीं अलग अलग होता है चावल और चना है। तो भाई एक हमें चावल दे दो। तो भैया ये भी सुविधा आपको अंदर ही मिल जाएगी। आपको कहीं से 15 मिनट। तो भैया ये भी सुविधा आपको मिल जाएगी मंदिर में ही ये पोटली मिल जाएगी जो लोग बागों ने अपना कुंड के अंदर डाली हुई है। और भैया का कहना है कि 15 मिनट डालनी है भैया। ये चावल है प्रसाद तो नहीं आते घर के लिए। अच्छा चलो तो भैया भाई लेके चलते हैं इसको। ये भी अपनी पोटली डाल दी है और भैया का कहना था अभी 15 मिनट ये रखनी है और 15 मिनट बाद पूरे उबल जाएंगे आपके चावल। तो भाई थोड़ी देर अभी इसमें ही रहते हो भाई। पूरी भाप आ रही है भाई पूरी मुँह पर। तो इतना अद्भुत नज़ारा है भाई पूरा लोग बाग। यहाँ पे भीड़ देखो भाई कितनी है बहुत बढ़िया है यार। तो भाई ये है हमारे भोलेनाथ महाराज का मंदिर है जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया भाई शिवलिंग है यहाँ पर भोले शंकर का। तो भाई यहाँ पे आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है तो भाई इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तो भाई ये इस मंदिर की सारी भाई इस पे ये कहानी लिखी हुई है कि यहाँ क्या हुआ था, ये मंदिर कैसे विस्थापित हुआ था यहाँ पर। यही वो जगह है जहाँ पर भाई गुरुद्वारे का लंगर बनता है और भाई यहीं पे देख रखी जाती है और अपने आप ही उबल के भाई खाना बन जाता है। तो ये अद्भुत चमत्कार है भाई यहाँ पर भोले शंकर का मंदिर है और बगल में गुरुद्वारा है। तो ये असीम भाई संगम है दोनों। कसौल आप आएंगे तो मणिकरण 2.5-3 किलोमीटर बस रह जाता है। तो आप यहीं पे आइए, आप कसौल में पहले एंजॉय करिए, फिर यहाँ पर तीर्थ स्थल पे आइए और यहाँ पर अपने सारे दुख दर्द भूल जाइए और बस यहाँ के इतने अच्छे अनुभव को अपने मन में संजो के ले जाइए, यहाँ की यादें। और जो कि भाई हमारे आप ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको हमारे ब्लॉग में के ज़रिए तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी जगहों पे आपको लेके आते रहेंगे अपने ब्लॉग्स के द्वारा। तो भाई इसीलिए हमारे ब्लॉग्स को प्यार करने के लिए भाई एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो भाई अभी बस यहाँ से चलेंगे और आज चलेंगे भाई घर की वापसी करेंगे आज। तो भाई अभी मणिकरण गुरुद्वारा बाबा साहिब जी के दर्शन हो चुके हैं, लंगर खा लिया है, उधर भोले शंकर के मंदिर भी होके आ गए हैं। तो अभी फाइनली एग्जिट हो रहे हैं भाई यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ मणिकरण आके। तो भाई आप बाबा जी को बोलते हैं और मणिकरण को बोलते हैं बाय बाय। टाइम जब आएंगे फिर आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं। चलते हैं भाई वापस दिल्ली और यहाँ से करते हैं गुड बाय। हाँ भाई मलाना है। सब इन वादियों को करते हैं बाय बाय और चलते हैं सीधा अपने घर दिल्ली। अरे हमारा आओ देखो पीछे का, अरे ऊपर का काम गया, राजकुमार बने हुए हो हैं? मम्मा की गले की माला भी डाल ली है गले में अब वो।
चले घर, चले दादा दादी के पास। बहुत याद आ रही है दादा दादी को, तो दादी की रोज याद आ रही थी। फर्स्ट डे तो कुछ ज्यादा ही आई थी। मनीकरण स्पेशल ब्लॉग आज का करते हैं हम यहीं पे एंड। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपना साथ सपोर्ट प्यार बस ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही अपना हमारे ब्लॉग्स को प्यार देते रहें। तो भाई आज ये वाला ब्लॉग तो हम करेंगे यहीं पे एंड, तो आगे से हम स्टार्ट करेंगे मनीकरण टू दिल्ली का ब्लॉग। तो बने रहिए साथ में, साथ सपोर्ट प्यार बनाए रखो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।